हम आए हैं पाकिस्तान के सबसे लोनलीस्ट हाउस में और अगले 24 घंटे तक हम यहाँ पे सरवाइव करने वाले हैं। यहाँ सबसे करीबी गांव 140 किलोमीटर दूर है और जो लोग हमें छोड़ने आए थे, जब हमने उनसे यहाँ रहने वालों का पूछा तो उन्होंने ये कहा, यहाँ पे आखिरी फैमिली 39 साल पहले रहते थे। इस जगह पर आना भी किसी चैलेंज से कम नहीं। हेलीकॉप्टर के अलावा कोई भी व्हीकल हमें यहाँ पे नहीं ला सकता था, इसलिए हमें अपना सामान गधों पर लाना पड़ा। वेलकम टू 1920 गाइस, अभी हमें सामान चढ़ाने के लिए गधों का सहारा लेना पड़ेगा। गाइस ये दोनों भाई नहीं लग रहे आपस में। और आधे रास्ते में गधे भी हिम्मत हार गए क्योंकि रास्ता इतना ज्यादा मुश्किल था और हमें आगे सामान खुद लेके जाना पड़ा। आधे में सामान गधों से क्यों उतार दिया, खुद क्यों लाए? उधर से आगे गधे नहीं आ सके। ये लास्ट इंसान है जो हमारी टीम के अलावा हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ये यहाँ से जाने वाले। अब हम यहाँ पे अकेले, चाहे वो लोग चले गए हो पर हम अगले 24 घंटे तक यहीं पे सरवाइव करने वाले हैं। आए गाइस, हम आप लोगों को अपना लोनलीस्ट हाउस दिखाते हैं जिसमें हम अगले 24 घंटे गुजारने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है, ओ ये क्या है? ये बाल है ना, वूल। वूल गाइस, ये भेड़ों के बहुत सारे बाल है यहाँ पे और ये वूल आगे जाके हमारी बहुत मदद करेगी सर्दी से बचने के लिए। भाई बहुत बड़ा घर है यार हमारा। गाइस यहाँ पे हमारे पास किचन मौजूद है, हम अपने लिए खाना वाना पका सकते हैं। मुझे पता है जगह आपके नॉर्मल किचन से बहुत हटके, पर ये दुनिया का सबसे लोनलीस्ट हाउस भी तो है ना यार। इस जगह पर आना किसी बड़े खतरे से कम नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसी मसले में फंस गए तो हम किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क और इंटरनेट जैसी कोई चीज मौजूद नहीं। तो गाइस हमने इस जगह में अगले 24 घंटे गुजारने हैं और हमारी ये जगह बहुत ज्यादा गंदी है, जानवर वानवर आ चुके थे, तो चले गाइस इस जगह को साफ करते हैं। यार वैसे वूल में कीड़े तो नहीं है गए? भाई हम तुम्हारे लिए बेड ढूंढ लेते हैं ना फिर। चलो चलो तुम स्लो स्लो काम करो, जल्दी जल्दी करो। यहाँ पे बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है, मुझे लगता है कुछ जानवर रात को यहाँ पे आते हैं। दुआ करो खतरनाक वाले ना हो। क्या क्या कह रहा है? ये क्या ये क्या है? ये पकड़ो अबे हाथ में। ये तो किसी बड़े जानवर का व्हाइट निशान आप लोग देख रहे हैं, पुराने जमाने एक कैलेंडर की जगह यूज हुए हैं। यहाँ पे एक एक निशान जो बना हुआ है, एक निशान का मतलब है एक दिन। मतलब यहाँ पे कितने सारे निशान बने हुए व्हाइट व्हाइट। शायद ये बात सच हो और एक बंदा इतने सारे दिन गुजार के गया और हमसे 24 घंटे नहीं गुजर रहे यार। और यहाँ से हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल 24 घंटे शुरू होते हैं। गाइस यहाँ की छत हमने कैसे आरसीसी करवाई है, कितनी सख्त है, वैसे सारी ये काली क्यों है? काली इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग बैठ के आग लगाया करते थे, उसके फ्लेम्स ऊपर जाया करते थे। और ये देखे मुहिब के दिल की तरह खाली छत। घर को साफ करने के बाद हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। सो गाइस ये जगह जितनी सिंपल हमें दिन में लग रही है, ये उतनी ज्यादा ही खतरनाक होने वाली है। पर हम जाने वाले हैं अब अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के। मुर्सीन मेन्यू में क्या है हमारे पास? पकौड़े पकौड़े। सो गाइस हम लोग चलते हैं लकड़ियां जमा करने के लिए। मुहिब तुम इस घर की हिफाजत करना, अब तुम इस घर के बड़े हो ठीक है? ओके गाइस, इन्होंने जो आप लोगों को सामने वाली जगह नहीं दिखाई थी, मैं दिखाता हूं। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो देखो ये जगह है, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। और अभी इन्होंने मुझे अकेला यहाँ पे छोड़ दिया और मुझे यहाँ पे डर ये लग रहा है, यहाँ पे जानवर भी हो सकते हैं, जंगली जानवर। और गाइस पत्थर पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि पत्थर भी गिर सकता है यार। ये जगह इतनी लोनली है कि आपको एक माचिस जैसी छोटी चीज के लिए भी 140 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। फाइनली गाइस हम अपने कैंप का कुछ सामान और लकड़ियां यहाँ पे ले आए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ गाइस, मुझे चाहिए थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं पानी के लिए, तो वहाँ से पानी कुछ ना कुछ कलेक्ट करते हैं। चलो चलो दरिया किनारे चलो, वहीं पे पानी है हमारे पास। हम इस दरिया के किनारे तो आ चुके हैं मगर ये पानी पीने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसको पहले बॉइल करना पड़ेगा। सो गाइस हम लोग दरिया का पानी इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि दरिया के पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया और एक बार उबालना उसके लाजमी है, पर हमारे पास अभी तक आग की सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ पे गाइस एक मीठे पानी का बहुत ही अच्छा चश्मा मौजूद है जिससे हम ठंडा ठंडा पानी और साफ सुथरा पानी भर सकते हैं, जिसको उबालने की भी जरूरत नहीं होगी। मजा ही आ गया गाइस। और यहाँ से हम लोग अपने खाने के लिए पानी भरेंगे। इतना ठंडा है कि मेरा हाथ पानी में जाते साथ ही सुन हो चुका है। इस पानी के बोतल की साइडों की जगह देख सकते हैं, यहाँ पे पानी पूरा पूरा जमा हो चुका है गाइस। गाइस ये शायद या तो जंगली नाशपाती है या उस तरह की कोई चीज है। दरिया का हमेशा बहुत ज्यादा तेज फ्लो हो जाता है जिससे वो बहुत सारी जगहों से बहुत सारे फ्रूट भी ले आता है। इसको धोने के बाद चेक करते हैं। ये जगह अभी इतनी पीसफुल लग रही है लेकिन सर्दियों में इस जगह पर इतनी ज्यादा बर्फ हो जाती है कि ये पूरी जगह एक आइसोलेटेड प्लेस बन जाता है और यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। इस दुनिया में नेचर के लिए सबसे खतरनाक चीज है इंसान और यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, तभी तो ये जगह साफ है बिल्कुल। चलो और सब्जियों को धोने के लिए दरिया के पानी से बेहतर कुछ नहीं। साजी भाई जल्दी जल्दी बनाओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है यार। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। यार ये आलू तो खराब है यार, यहाँ पे हमारे पास वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो गाइस जो नाशपाती मुझे मिली थी पता नहीं जंगली है या असली है, मैं खुद तो नहीं ट्राई करूंगा, इन दोनों बकरों से ट्राई करवाऊंगा। खाओ खाओ खाओ। बीटी है, वहाँ पे जाओ किनारे पे ढूंढते, मुझे पता है कुछ और भी मिलेंगी। ये बह के आई हुई है नदी के साथ। क्या हो गया, इतना क्यों रो रहे हो? प्यास काट रहा हूँ यार, मुझे लगा 24 आवर आपसे यहाँ पे स्पेंड नहीं हो रहे। पकोड़ों का मसाला बनाने के बाद हमने अपना नेचुरल चूल्हा बनाया।
गाइस इन तीन पत्रों से चूल्हा बनाया। तो भाई हम लोग नीचे ये छोड़ के आए थे गाइस, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में हम लोग शूट कर रहे हैं कि हमारा एक स्टैंड नीचे रह गया और मेरा पसीना देख रहे हैं आप लोग, और ये सर्दी है बिल्कुल। गाइस फाइनली हमारा घर फर्निश हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे कुर्सियां भी लगा दी, वहाँ पे आग भी लगा रहे, जल्दी जल्दी से बनाएंगे पकौड़े और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। गाइस ये एक दरख्त की छाल है जिसपे पुराने जमाने में लिखा जाता था, लेकिन अब आग लगाने के लिए भी काफी अच्छा है। सबसे मुश्किल काम होता है आग जलाना, जो हमने जला लिया। यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए लकड़ियाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाने के लिए और सर्दी से बचने के लिए आग बहुत जरूरी है, इसलिए हमें लकड़ियाँ ढूंढनी होंगी। इस तरह की बड़ी लकड़ियाँ बॉनफायर के लिए यूज होती है, हमें छोटी लकड़ियाँ चाहिए तो हमें इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे सिंपल सा काम यानी कि नॉर्मल डेली टास्क करते हुए भी आपकी सांस चढ़ जाती है, क्योंकि ये जगह ये घर जो है ऑलमोस्ट 12,000 फीट से भी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। इस हाइट पे प्याज खाने से इंसान की सांस बहाल हो जाती है, तो हम प्याज तो अपने साथ लेके आए, बाकी खाना जो है वो बहुत देर में पक रहा है यहाँ पे। गाइज हमारा खाना रेडी हो चुका है, अभी इसको बाहर निकालते हैं। हमारे पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है तो इसलिए चिमटे से निकालना पड़ेगा। यार माँ सही पके है ना भाई, टेस्ट चेक कर लेना, बहुत मजे के बने होंगे। तो गाइज हम लोगों ने अपने लिए भी पकोड़े पका लिए हैं, पर ये इतनी खाली जगह है, आसपास बिल्कुल कोई नहीं है और इतनी खूबसूरत जगह है, तो हम बाहर जाके किसी अच्छी जगह पे इसको खाएंगे। तो गाइज अभी हम यहाँ पे अपना खाना खाने वाले हैं। यार एक काम, पहले नहाना ले, उसके बाद भूख भी लगेगी, खाएंगे तो मजा भी आएगा। बात तो सही कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, इसमें नहाने के बाद हमें पकोड़ों का ज्यादा मजा आएगा। गाइज तुम तभी कपड़े चेंज करके आए थे। हाँ ना, पर अब इसमें मुहिब को हम फेंकने वाले। नहीं नहीं अभी नहीं फेंका, अभी नहीं फेंका, स्लो स्लो जाए तो प्लीज। चलो स्लो स्लो जाओ, स्लो स्लो। 3 2 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ठंडा पानी है, गर्म है, जाओ 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 अभी गोता लगा के। तो गाइस अभी मुरसलीन जा रहे हैं, फिर महाज जाएगा, और यहाँ पे कैसा है पानी, क्या हुआ? बहुत ज्यादा ठंडा पानी है गाइस, मोहिब को सर डुबाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, ए रोनाल्डो जा रहे हैं बीच में, चलो सर डुबा सर डुबा, 1 2 3 चलो। हवा बहुत चल रही है, वाह जल्दी हो जल्दी। अब आखिर में मास की बारी है, मास जाओ। क्या हुआ, पांव सुनोगे? मास के पांव सुन हो चुके गाइस। चश्मा चश्मा मां चश्मा चश्मा, पूरा जिस्म सुन हो गया भाई। यहाँ ग्लेशियर से ठंडा पानी निकल के आ रहा है, ये पानी इसलिए इतना ज्यादा ठंडा है क्योंकि ये जो बर्फ आप लोगों को नजर आ रही है इसी से पिघल के आप लोगों के पास आ रहा है। अगर आप लोगों को इस बात पे शक है कि पानी ठंडा है या नहीं, ये देखो कैसे भाग के धूप में खड़े हुए, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है इन गीले कपड़ों में इस ठंडी हवाओं का सामना करना। अभी ये लोग ठंडे पानी से निकले ही थे कि इन लोगों ने अपना एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया। इस ठंडे पानी में तीनों एक साथ डाइव करने वाले, चलो। तो भाई मोहिब के हाथ कितने ठंडे हो गए भाई, चलो चलो जल्दी से निकले, बाहर निकलते थोड़ा सही हो जाता है। नॉर्मल से ज्यादा खतरनाक जब लेट के अंदर जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा। तो गाइस मोहिब को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और मोहिब के पास शर्ट एक ही थी तो वो गीली हो चुकी थी, तो हमने मोहिब को पहना दिया है भेड़ की खाल। मोहिब इसमें कैसा लग रहा है, सुकून मिल रहा है? और ये रियल लोमड़ी भी तुम्हारे है, मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी, ठीक है? फुल वाइकिंग लग रहा है वो भाई। गाइस मेरा तो मुंह सुनोगे, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा यार। हम लोग ये लाइव है बेड के तौर पे यूज करने के, लेकिन सलीम यहाँ पे बोट बना के इसको यूज करेगा, तो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लगी, मैं तो जाने वाला हूँ, तुम जाओगे या नहीं? हाँ मैं तो जा रहा हूँ भाई, पता नहीं इसको सर्दी नहीं लगी। एक तो हमने मुरसलीन के लिए बुला लिया था, पर मास का भी शौक जागा है, मास मैं भी अपने लिए बुलाऊंगा ताकि मैं भी जाऊँ। ये बोल क्यों नहीं पा रहा पता है, कि होंठ सुनोगे इतना ठंडा पानी है। गाइस कैमरामैन आप गवाही देते हैं ना इस बात की, ठंडा पानी है। इन लोगों ने अपने अपने बेड से अपने अपने राफ्ट बना लिए, क्योंकि मैं तो गीले बेड पे नहीं सोने वाला भाई, अपने बेड पे खुद ही सोना। जाओ 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 जाओ, नहीं सोने वाला, चला गया भाई। अबे यार वो, चलो भाई जल्दी जल्दी रेस है भाई। वाह भाई, चलो 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 चलो, पानी ठंडा नहीं है क्या यार? इस पानी का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इनके मजे देख सकते हैं आप, इतनी पागल टीम है गाइस मेरी। सो गाइस हम आए थे पकोड़े खाने के लिए, आ जाओ भाई पकोड़े खाते हैं, मोहित सामने आ जाओ। चलो यार, कैसा लग रहा है भाई? बहुत मजे के हैं। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन इस बात की है कि ये दोनों बीमार ना हो जाएं और ये दोनों पागलों की तरह हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है ठंडे पानी ने इनके दिमाग पे असर कर दिया। क्यों असर है भाई? मैं से पूछूं दोबारा जाएगा पानी में? जाओगे? नहीं गाइस ये सब पानी को सॉरी बोलना चाहते हैं। और आगे जाके इस स्विमिंग की वजह से हमारा एक मेंबर वाकई बीमार हो गया। गाइस ये रेड कलर का पानी आप लोगों को नजर आ रहा है, पता नहीं कुदरत का क्या करिश्मा है कि ये पानी यहाँ पे रेड है, और वो दूर आप लोग आबशार देख रहे हैं। इस तरह के आबशार देखते हैं कुदरत के हम, तो हमें मोटिवेशन होती है और हम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। सो गाइस ये लोग तो आ चुके थे, अभी ये लोनलीस्ट है या जो भी हाउस है, हमें इसकी बहुत कदर है, चलते हैं अपने आप को गर्म करते हैं भाई, बहुत ठंड लग रही है। गाइस मैं तो सिर्फ एक बारी पानी में गया तो मुझे आग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो बारी पानी में गए तो इनको आग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनको भाई हाइपोथर्मिया भी हो सकता है यार। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, ये क्यों पकड़ा हुआ है पता है? मोहिब पीछे कपड़े चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस घर के अंदर मोहिब देखो पीछे
मैं हटा रहा हूँ, सही है? अबे जाओ चेंज किए हुए कपड़े, पूरे ड्रामे करो। यहाँ पे मगरिब होने वाली है, जैसा कि आप लोग पहाड़ों के ऊपर से देख सकते हैं सूरज जाने वाला है। तो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, हमारे पास ज्यादा लाइट्स नहीं है, तो इसलिए मुझे रात के खाने की तैयारी शुरू करनी होगी। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस मुझे अभी यहाँ पे बहुत सारी सब्जी काटनी है और मगरिब जल्दी होने वाली है, तो टाइम से मेरा मुकाबला है। गाइस यहाँ पर साजिद भाई प्याज काट रहे हैं। यार मेरी तो भूख पकोड़ों से नहीं मिटी भाई, एक तो हमने स्विमिंग भी कर ली उसके बाद बहुत ज्यादा भूख लग गई थी। तो भाई अब बताओ मास क्या बनाने वाले हो तुम? हम लोग सामने दिख रहे हैं यार चावल बना रहे, लेकिन चावल के लिए प्रेशर कुकर, क्योंकि वैसे यहाँ पर बनने वाले नहीं है। जितना आप पहाड़ों पे ऊपर आते हो उतना ज्यादा गोश्त का पकना मुश्किल हो जाता है, पर हम फिर भी पकाएंगे। तो फाइनली गाइस मैंने सारी की सारी सब्जियां और गोश्त सब कुछ जो है काट लिया है, अब चलते हैं खाना पकाते हैं, बहुत भूख लगी है यार। ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जो कि हमारे इस 24 घंटे को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो गाइस हम जिस घर में अगली पूरी रात गुजारने वाले हैं, उसको अगर आप उसकी छत को देखें तो पूरी की पूरी किसी लैंडस्लाइडिंग से किसी जमाने में बनी हुई है। हल्का सा ये पत्थर थोड़ा सा आगे की तरफ आया तो हम सारे नीचे के नीचे दब जाएंगे। तो क्या मतलब, अगर ये पत्थर गिर गया तो हम लोग नीचे फिस जाएंगे? अरे नहीं यार, तुम जाओ यार, तुम बच्चों के सामने बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है इसने आज कल परसों तरसों में नहीं हिलना, टेंशन नहीं। यार मुस्लिम प्याज तो जल गया, अब टमाटर तो डाल दो, ब्राउन होने दो, सही तरह ब्राउन होने दो। क्या हुआ भाई, चावल वावल का क्या हुआ है, क्या पका है? बस चावल जलने वाले हैं, जल्दी करो क्योंकि मगरिब हो गई ना, फिर कुछ नजर नहीं आएगा और ये आर्टिफिशियल लाइट्स तो एक दो घंटा ही चलेंगी यार, जल्दी करो। सो गाइस साजिद भाई ने काट के भी छोड़ दी क्योंकि साजिद भाई आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा काम चोर है। अभी गिर ना जाऊं यार, ख्याल से जाना पड़ेगा, पत्थर पत्थर यार। एक तो साजिद भाई के साथ आना पड़ता है वरना यहाँ पे मैं कभी भी नहीं आता यार, इतना हॉरर सीन है ये। रुमाल जल्दी लेके आओ यार, जल्दी लेके। यार मुझे अभी तो तुम चावल बना रहे थे, अभी चाय क्यों बना रहे हो? चाय नहीं बना रहे, पानी गर्म कर रहा हूँ क्योंकि सारा खराब हो जाएगा अगर ठंडा पानी डाला तो। यार तो तुम घर से थर्मोस में गरम पानी भर के लाते हो तो अच्छा होता, अभी फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओ भाई ओ, सर्वाइवल करने आए हो, पार्टी मनाने आए हो। सो फाइनली गाइस अभी चिकन डालने का टाइम आ चुका है, चलो मार जल्दी जल्दी डालो। शाबाश शाबाश ना, ये डालो डालो डालो। तो गाइस फाइनली अब चावल डालने का टाइम आ चुका है, मतलब अभी हमारा जो खाना है वो बनने वाला है। तो गाइस पूरी की पूरी रात हमारे सामने थी, तो मुझे ये टेंशन थी कि यार हमारे पास पानी खत्म ना हो जाए, और ये जो मीठे पानी का चश्मा है ये नीचे मौजूद है, इसलिए मैं अब रात को नीचे आया और ये चार बोतलें भरी है ताकि हमारे रात का काम चल सके। और गाइस यहाँ से आप लोगों को हमारे आज की रात का ठिकाना दिख रहा होगा, थोड़ी सी लाइट नजर आ रही होगी आप लोगों को, और मुझे चल के अब दोबारा वहीं तक जाना है। यहाँ का रास्ता भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो गाइस चावल डल चुके हैं, बस खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है। ये लो, जल्दी। पानी ले, नीचे से ले यार, मैं पानी लाया हूँ। पानी का सबसे बड़ा मसला ये था ऊपर लाने का, दोनों हाथों से जब आपने पकड़ा है, अगर आप गिरे तो आप बचा नहीं सकते खुद को, और हर जगह पत्थर है क्योंकि ये पहाड़ी पथरीली है। पूरे तरीके से रात हो चुकी है और हमारा घर अब इस तरह से दिख रहा है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे माज और मुरसलीन बैठ के हमारे लिए बना रहे हैं बहुत अच्छा खाना। खाने में क्या उम्मीद है, सही पक जाएगा यार। इस कुकर का ध्यान रखना, ये कुकर कभी कभी फट भी जाता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सही तरीके से बंद किया है, 5 मिनट और बस, 5 मिनट। मैं आप लोगों को एक बुरी खबर देता हूँ गाइस, कि हमारे मुहिब डॉन पानी में जाने की वजह से बीमार हो चुके हैं। क्या हुआ मुहिब, बताओ यार? जिस्म भी थक गया और सर में भी दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो कोई मसला नहीं मोहित, तुम इतने छोटे हो फिर भी इतनी ज्यादा हिम्मत करते हो, लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाते हो, सबके सब लोग तुम्हारे चैनल को भी अनसब्सक्राइब करेंगे। चलो गाइस सब्सक्राइब कर दो, इसका चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मुरसलीन इसके लिए कोई सेटिंग बनाएंगे ताकि ये जल्दी लेट जाए, सही है? यहीं पे ही लेट जाए। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर आज कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट वीडियो है हमारे लिए, पर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट एड के अंदर से इसको दवाई दी है? कौन सी? एक्स्ट्रा दी, आधी दी है ना, ये बच्चा है तो हमने इसको आधी गोली दी है। चले गाइस अब खाने की टेबल पे मिलते हैं, यहाँ पे ऊपर डाइनिंग रूम है। भाई हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें पहनना शुरू कर दी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, पर ये घर जो है इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि यहाँ की हीट टच होके ऊपर से वापस आती है और बाउंस बैक होके ना हम लोग सुकून से एंजॉय करते हैं। कुल्हाड़ी से गाइस खाने का काम भी होता है, आपको पता नहीं है, इस साइड पे हमने रख दिया है। हमारा खाना बन के तैयार हो चुका है और खाना देखने में तो बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा है, तुम आज चेक करके बताओ। चेक करके बताता हूँ, बहुत मजे का यार, मैं बहुत मजे का है, बहुत ज्यादा मजे का है। तो चलो साजिद भाई को बुला के, चलो साजिद भाई को बुलाते हैं। तो भाई सर्वाइवल वीडियो में हमें बहुत सारे इस तरह की छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है, जैसे कि ये आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है पता है? ये एक बहुत बड़ा पोर्टेबल दस्तरखान है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और ये खत्म भी नहीं होगा, अभी आप देखते जाइएगा कितना बड़ा है। सोचे आप इतनी छोटी सी चीज जो कि पॉकेट में आ सकती है उससे आप कितना बड़ा दस्तरखान बना सकते। भाई भूख बहुत ज्यादा लग रही है, अभी हम खाना खाते, मुहिब खाना आगे आ जाओ। चलो भाई मैं आ चुका हूँ, कहाँ है, खाना तैयार हो चुका है। तो गाइस ये हमारे चमचे और ये मुहिब का है यार, सोचो कितना छोटा है। भाई इसमें चिकन बहुत ज्यादा है और चावल बिल्कुल कम है यार, जहाँ पर हम लोग आए यहाँ पर प्रोटीन की बहुत सख्त जरूरत है। सही बात, हम लोग बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं और हमें एनर्जी की यार, वैसे सही में बीमार हो गया यार। चलो चलो, मैंने आज पूरा दिन बाहर के सारे काम निपटाए और सारी की सारी चीजें की, और ये तीन भाई शेरों ने आज इतना अच्छा खाना बनाया मेरे लिए यार, उसको अभी ट्राई करते हैं। तो ये लेता हूँ मैं यहाँ की बोटी, ओए होए होए, ये आ गई बोटी ये आलू के साथ। तो ये हो गया हमारे पास दुनिया के सारे खानों से बेहतर पहाड़ी बिरयानी, जो हमने खुद बनाई है गाइस।
यार कितनी सादा बिरयानी है, ना मसाले है, कुछ भी नहीं, लेकिन जायका इतना अच्छा। मैंने इससे अच्छा अच्छा कुछ भी नहीं खाया भाई, ये बहुत मजे का। ये बिरयानी मुझे किसी 5-star होटल के भी किसी अच्छी डिश से भी ज्यादा अच्छी लग रही है यार। सही बात है यार, इतनी मजे की है ना। इस अलोन प्लेस पे भी हम लोगों ने अपने लिए इतनी अच्छी बिरयानी बना ली, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सो गाइस, हमारी हर एक वीडियो में बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है। मैं कभी इस तरह का व्लॉग नहीं बनाता कि गाइस मैं दही लेने चला गया। देखिए मेरे पास दही पड़ा हुआ, हमने आपको अभी तक दिखाया भी नहीं है। इस तरह की मजे मजे की चीजें, इस तरह की लोकेशन, इस तरह की स्टोरीज सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली वीडियोस नहीं बना सकता। मुझे 10-10 दिन एक एक लोकेशन पे पहुंचने में लगते हैं और उसके बाद बहुत सारे दिन एडिट में। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि शेर अपना रास्ता ढूंढ लेता है, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस अभी मुहिब को जाना है वॉशरूम, तो भाई इसको इसी टाइम पे वॉशरूम आता है, क्या कर सकते हैं यार। चलो दूर जाना है वॉशरूम के लिए, करीब यार दूर जाना है। क्या क्या कह रहे हैं? गाइस कह रहे हैं कुछ वहाँ पे मिला है, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। ये क्या है? ये क्या है? ये पकड़ो अबे हाथ में। वो ये तो किसी बड़े जानवर का सर है, कोई डायनासोर लग रहा है यार मुझे। ये तो ये वो जादू वाली हड्डी है जो कुर्बानी के दौरान लोग तोड़ दे रहे हैं अक्सर ना, ये वो कोई नहीं देते हैं। हटो यार। ये मैं बताता हूँ आप लोगों को गाइस, ये है एक गाय या बैल, बैल भैंस नहीं है, बैल की हड्डी है। इन हड्डियों का यहाँ पे मौजूद होने का मतलब ये है कि इनको किसी जानवर ने खाया है, क्योंकि इंसान कभी भी हड्डियाँ इतनी बड़ी नहीं छोड़ता और ऊपर से यहाँ पे इतने ओपन में नहीं छोड़ता। मतलब कोई भी इंसान यहाँ पे आके किसी जानवर को खा के उसकी हड्डियाँ क्यों छोड़ता। इतनी खतरनाक चीज वापस रखो यार। इस पे जादू टोना करते हैं मोहिपे। यहाँ से हड्डियाँ मिलने के बाद हमें बहुत ज्यादा डर लगने लग गया, क्योंकि हमें ये चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पे जंगली जानवर लाजमी आते हैं। और मोहिप तुम जरा जल्दी से इधर ही वॉशरूम कर दो, बस टाइम वेस्ट मत करो। मैं वॉशरूम करके तो आ गया, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या चीज मिली, कोई अजीब से जानवर है यार। मुझे इसका नाम क्या है? ये स्नेल है जो बहुत स्लो स्लो चलता है। अच्छा, ये बिल्कुल स्लो स्लो चलता है, मतलब ये वही चीज है जो मुझे मेरी टीचर ने बताया था कि तुम बहुत ज्यादा स्लो काम करते हो, बिल्कुल स्नेल की तरह। ये बोल रहा था। गाइज ये बहुत चिपचिपा पिलपिला सा लग रहा है, पता नहीं क्या चीज है, इसको यहीं पर ही रख देते हैं यार। गाइज अभी हम लोगों ने इसको जाने दिया ताकि अपने घर चले जाए और इसको तंग नहीं करेंगे। चलो मुझे इसको तंग नहीं करो। चलो चलो। महाज के हाथ पे चिपचिप बन गई है, पूरा निशान बन गया है, ठीक है। क्यों तुमने हाथ डाला यार फजूल में, पानी जाया करना पड़ेगा यार। सो गाइस हमारे सोने की तरतीब सही से नहीं हो रही थी, तो हमने यहाँ से सारी की सारी जो पत्थर थे वो हटा दिए, और उसके बाद यहाँ पे ना जो सारा का सारा ऊन था ना वो यहाँ पे पूरा का पूरा बिछा दिया, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब इसके ऊपर हम डायरेक्ट नहीं सोएंगे, पहले थरपाल बिछाएंगे और उसके बाद हमारी कीड़ों वीड़ों से प्रोटेक्शन हो जाएगी, उसके बाद हम इसके अंदर स्लीपिंग बैग्स बिछाएंगे और फिर सोएंगे। सही है मोहिब, ये आइडिया कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है। नींद आ रही है ना, चलो सो जाना। सो गाइस हम लोगों ने सारी की सारी सेटिंग बिठा दी और अब है हमारा सोने का टाइम। इस जगह पे पता नहीं कैसी नींद गुजरेगी, कैसी रात गुजरेगी यार। यार मुझे थोड़ा डर लग रहा है जिन्नात की वजह से यार। ओ यार माँ इसको समझाओ यार, कुछ भी मसला नहीं, माँ हाफ़िज़े कुरान है, तुम्हें दुआएं वुआएं पढ़ के सुनाएगा। सही है, चलो भाई तुम लोग अभी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ के सारे काम बाकी जो बचे वो निपटा सके। ओके गुड नाइट। सो गाइस अब बहुत रात हो चुकी है और ये देखिए मुहिब भी सो चुका है, माँ भी बहुत पक्की नींद सो रहा है और मुर्सलीन भी सो चुका है। गाइस मैं भी सोने लगा हूं। गाइस गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, ये तीनों अभी तक सो रहे हैं। मास मोहेब मुर्सलीन हेलो, ये देखो थोड़े से हिले ना, इससे ही पता चल रहा था मुझे कि जिंदा है, वरना बाकी तो ऐसे लेटे हुए ना कि लोग उठने वाले नहीं है। रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हमारे स्लीपिंग बैग थोड़े से पतले थे तो मैंने फिर जैकेट का सहारा भी लिया। अभी गाइस चलते इन सबको उठाते हैं और उसके बाद नाश्ते का कोई सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है और उसके बाद निकलने की तैयारी करेंगे। हेलो गाइस। हेलो मास, कैसे हो? अलग बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ, पहाड़ो दरख्त हो जमीन हो आसमान हो, जहाँ पे भी हम सोए हो ना वहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से यानी बेहोश वाले तरीके से कौन सोता है पता है? ये मुहिब, इसको ना जानवरों का डर होता है ना किसी और चीज का डर होता है। मुहिब हाय करो। गाइस नहीं कर रहा है, सर्दी बहुत है ना, सर्दी बहुत ज्यादा है मुर्सलीन, अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे उठा था। एक चीज मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि ये घर जितना पुराना है, जितना टूटा फूटा है, जितना पत्थरों का बना हुआ है, पर यहाँ पे नींद बहुत सुकून से आती है ना, बहुत अच्छी नींद आती है। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत ज्यादा मजा आया इधर नींद में। हम जब सो के उठे तो हमें इधर उधर काफी ज्यादा अजीब किस्म के कीड़े दिखाई दे रहे थे, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक थे। तो गाइस मैं आपको अपने घर के किचन में लेके आता हूँ, ये देखिए एक टमाटर पड़ा हुआ है, इस तरह थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ है, एक लाइट पड़ी हुई है, और ये है हमारा पावर स्टेशन जो कि 12 वोल्ट 100 एम्पीयर है। ये हम लोगों ने खुद बनाया है यहाँ पे, ऐसी सुनसान जगहों पे जब हम जाते हैं तो हमें रात को लाइट का और चार्जिंग का बैकअप देता है, तो ये असली चैंपियन है हमारा। गाइस ये मुहिब जो इतना दूर नजर आ रहा है आपको, ये कहाँ जा रहा है पता है? हमारे इस घर में वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, सुबह सुबह मुहिब जा रहा है बहुत दूर। गाइस सुबह सुबह का टाइम है, मैं बाहर आ चुका हूँ, बहुत ज्यादा सर्दी है और रात में इतनी सुकून की नींद थी कि मैंने जैसी
या सुबह होगी। काश अगर मैंने यहाँ पे एक और रात होती तो मैं आराम से यहाँ पे सोता, क्योंकि सबसे मजे की नींद यहाँ पे होती है। बस एक टेंशन थी यार कि यहाँ पे जानवर भी आ सकते हैं और दिन से भी डर लगता। तो गाइस हम लोगों ने आग लगा दी है और अभी हम लोग जो है इसमें चाय बनाएंगे, पर चाय ग्रीन टी बनाएंगे ताकि मैं भी पी सकूं। थोड़ा थोड़ा पानी उबलने लगा है, अब इसमें चीनी डालते हैं सबसे पहले। और ये साजन भाई चाय इस वजह से बना रहे क्योंकि ये खुद भी पियेंगे वाली चाय, ग्रीन टी है। अगर ये दूसरी चाय होती मुर्सलीन बना रहा होता मैं कभी भी नहीं बनाता। तो गाइस हमने चीनी तो डाल दी है, अब इसको थोड़ी देर उबलने देते हैं। ऐसी जगहों पे सुबह सुबह ग्रीन टी पीने से आपका पूरा जिस्म जो है साफ हो जाता है और आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो चाय हमारी रेडी हो चुकी है, आ जाओ मां सब चाय पीने आ जाओ। ओए 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 ओए, हम दो पहाड़ों के बीच में मौजूद है और जब एक बार सूरज दो पहाड़ों के बीच में आ जाता है ना तो उसके बाद फिर कोई साया मौजूद नहीं होता। अब सूरज आ चुका है, चलो नाश्ता करो। अभी तो मजा आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है और सूरज की गर्मी जो आ रही है ना, मजा आ रहा है। तो गाइस अभी हम चाय पी के जल्दी से पैकिंग करेंगे और फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। ये चलो। सो फाइनली गाइस हमारे कुछ आखिरी लम्हात इस घर में, अभी हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं। आते हुए गधों ने भी मना कर दिया कि हम सामान नहीं लेके जाएंगे, तो हमने सारा सामान खुद उतारा और ये लास्ट का सामान अभी हम ये लेके जा रहे हैं। तो गाइस एक इसी इस तरह की किसी जगह पे आते हुए हमें दो दो तीन तीन दिन लगते हैं जगह को ढूंढने में, फिर वहाँ पे सामान लाने में, फिर वहाँ पे पानी ढूंढने में, बहुत सारी चीजें करने में बहुत मेहनत लगती है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरी जलमी आर्मी शेर अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, हम सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। इसी के साथ ही सब्सक्राइब कर दे गाइस। गाइस ये वीडियो एंड करने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा लेकिन करनी पड़ेगी, क्या करें, इस घर का ही बहुत ज्यादा याद आएगी। तो बाय बाय घर, आई लव यू गाइस, बाय बाय। और गाइस छोटा शेर भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।